और आज का नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आगे का प्लान है मेडिकल कॉलेज वाली साइड का इंशाल्लाह। तो गाइस ये रहे हमारे आरिफ भाई। और भाई कैसे हो? सर ठीक है। ये रही बाइक जिस पे हम आए हैं, मैं और आरिफ भाई और दूसरे दो तीन भाई और भी आए। वो ऊपर लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा, मुझे देख रहा होगा वहां से। तो गाइस ये देख लो माशाल्लाह, फिर आपको ये मैं दिखाता हूँ। ये पूरा क्रैक हो गया यहाँ से, देख लो तो पूरा उठ जाता है। ये देख लो नीचे तक वो पूरा क्रैक हुआ, पूरा ये पोर्शन पूरा ही क्रैक है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है, जो भी यहाँ पे आता है और इस जगह पे प्लीज़ कोई भी नहीं जाना। ये जो पौड़ियाँ लगी हुई दिख रही हैं आपको, प्लीज़ ये जो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुलरहमान व्लॉग्स। और आज का नया व्लॉग बनाने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आगे का प्लान है मेडिकल कॉलेज वाली साइड का इंशाल्लाह। तो उसकी के रास्ते में पहुंच गए, आधे रास्ता हमने कर लिया पीछे, तो आगे चल रहे हैं। थोड़ा बचा हुआ है, भैया जो हैं वो अंदर गए थे, उनको भी बाहर में जब आते हैं तो उनको भी डालता हूँ व्लॉग में। आरिफ है बाइक का नाम। गाइज ये रही पीछे बाइक, जो है माशाल्लाह बहुत तगड़ी बाइक है, बाइक की। तो उन्हीं के साथ आज शूट पे जा रहे हैं हम, मैं और भाई और एक और बंदा वो भी आ रहा है हमारे साथ ही। तो गाइज ये रहे हमारे आरिफ भाई। और भाई कैसे हो? सर ठीक है। और आज का नया व्लॉग बन रहा है इंशाल्लाह। और ये जनाब अब्दुलरहमान साहब, आपको पता है कि फर्स्ट टाइम मिले थे फोर्ट पे मिले थे, वो पूरा व्लॉग बनाया था, बहुत मजा आया था माशाल्लाह। कहते हैं कि एक ही बार जो मिले अगर वही यादगार है, वही बंदा खुद लालची रहता है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इंटरव्यू हुआ उसके, वो नीचे रहा गेट उसका, वो देख लो ये रहा गेट जो नया मेडिकल कॉलेज बना है, वो पीछे जो आपके सामने है। तो ठीक है, फिर आगे चलते हैं, दोस्तों जो आए हैं साथ उनसे भी मिलाते हैं। ये रही बाइक जिस पे हम आए हैं, मैं और आरिफ भाई और दूसरे दो तीन भाई और भी आए हैं। तो इनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, बाइक क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। और क्या नाम है आपका? मैं इम्तियाज। अच्छा, इम्तियाज है इन बाइक का नाम। तो चलते हैं आगे दूसरे भाई के साथ। और भाई ठीक हो? बस बढ़िया। तो क्या नाम है आपका? फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं आपसे। क्या नाम है? इम्तियाज है। चलो कोई नहीं। तो भैया आपका क्या नाम? मेरा नाम इमरान। आपसे भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं, शूट करेंगे। आए मैं और आरिफ भाई और इस पे आए हैं ये तीन भाई। ग्लैमर है तो वो पटक करने ड्राइवर बंदे बताएगा किस तरह। इधर ही है यार, ऊपर लड़के बोल रहे थे चलते हैं घूम के आते हैं। तभी आ रहे थे यहाँ पे, हमने पार्क कर ली और चलते हैं हम आगे, दिखाते हैं आपको सारा रास्ता शास्ता सब कुछ। लेकिन यहाँ से थोड़ा अभी इन्होंने साइड नहीं किया गंशन, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये देख लो सरिया डाला हुआ इधर काफ़ी सारा इसमें साइड पे। और भाई लोग मेरे वो आगे चले गए यार, अचानक प्रोग्राम बन गया इधर आने का। लेकिन हमने वो नहीं था किया हुआ कि पहले से प्लान बनाया हुआ हमने, अचानक प्रोग्राम बन गया और भाई ने कॉल की और मैं हाजिर हो गया। मेरे पीछे रहा मेडिकल कॉलेज माशाल्लाह, और जोरी में सबसे मुझे लग रहा ख़तरनाक यही होगा कॉलेज, क्योंकि नया ओपन हुआ है और साथ में कंस्ट्रक्शन जो लगाई हुई है माशाल्लाह बहुत ही तगड़ी है। और वो देख लो कितना माशाल्लाह पूरा ग्राउंड बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत तगड़ा हो रहा है काम इधर का। और वो पीछे रही गार्ड, मतलब वो देख लो ऊपर, उधर भी बना रहे हैं बिल्डिंग्स। और वो ऊपर लगाया हुआ है सीसीटीवी कैमरा, यहाँ से दिखेगा नहीं, पता नहीं, मुझे देख रहा होगा वहाँ से। बोल रहा होगा कोई आया नया व्लॉगर। तो अभी उसके मेन गेट पे चलते हैं, अगर हमें आगे जाने दिया तो ठीक है, नहीं तो बाहर का ही व्यू तगड़ा सा लेंगे। अब मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये देख लो माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत बनाया है, ये देख लो। और अभी नीचे काम चल रहा है, ये देख लो। और इधर से मैं चल के आया हूँ, अभी आगे दिखाते हैं आपको। तो गाइज़ वो देख लो माशाल्लाह पीछे व्यू कितना तगड़ा है, वहाँ का वो पहाड़ी पे बर्फ़ दिख रही है आपको, कितनी माशाल्लाह तगड़ी लग रही है। और ये आ गया वो खेत लोगों के, और यहाँ से देख लो, ये देख लो कितना ख़तरनाक एरिया है। यहाँ से बच के आना अगर कोई आया भी यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे और बहुत ही ख़तरनाक। तो चलते हैं आगे हम।
इधर के अंदर के आप देखते हैं, कोई पोता नहीं बैठा ना। चलो कोई नहीं गाइज, इसकी मैं लोकेशन बताता हूँ आपको। ये जो खांडली पुल है, इससे आगे, इसी से जो ऊपर वाली साइड रोड जाती है, लेफ्ट टर्न ले लेना उधर से, अगर नेक्स्ट टाइम कोई आना चाहे यहाँ पे, उधर से ही आना सीधा आगे, कोई 3-4 किलोमीटर आगे आते आते तो वहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है, और उधर से सीधा इसी की रोड है, इसी मतलब इसी कॉलेज में आती है वो जो हाईवे बनाई हुई है, तो डायरेक्ट फिर आपको इधर ही पहुँचाएगी। तो यही था यहाँ की लोकेशन, और मैंने वो आपको बता दी, और कोई आना चाहता है ज़रूर आए यहाँ पर। तो गाइस, ये टोटली शीशा लगाया हुआ है, इसके अंदर ऑफिस है, और साथ में वो देख लो, यहाँ से साफ करते हैं पहले इधर से, पर क्या दिखेगा अंदर, चलो छोड़ो, नहीं दिखेगा यहाँ से, वो दिख रही है मुझे, वो ग्रिल्स लगी हुई है वहाँ पे, चलो। और ये पे लॉक लगाए हुए, हाँ लॉक है, और ये देख लो ऊपर का छत, लेकिन तगड़ी चीज़ बनाई है भाई, देख लो। और ये सीढ़ियाँ आ गई नीचे चलने, चलते हैं। तो गाइस देख लो माशाल्लाह कितना तगड़ा व्यू है इसका, वो देख लो वो ऊपर। जो आपके सामने ये दो दिख रहा है वो उधर से टूटा हुआ है, ये पूरा स्लाइडिंग हुई थी यहाँ से, पूरा ख़त्म हो गया। इधर सुना है मैंने अभी कि इधर एक बंदा भी मर गया था बेचारा इसी स्लाइडिंग की वजह से, और देख लो कितना ख़तरनाक एरिए से ये हुआ स्लाइड। देखना अभी मैं आगे भी जा रहा हूँ, लेकिन कहीं नीचे ना चला जाऊँ, और वो देख लो कितना ख़तरनाक एरिया यहाँ से आगे, ये आगे चादरें सी लगाई हुई हैं क्योंकि कोई आगे ना जाए, लेकिन देख लो लास्ट वो पता नहीं कैसे बचा वो लास्ट पौड़ी जो है, तो वो देख लो पूरा यहाँ से आगे बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ, वो नीचे तक चला गया हुआ, वो देख लो पत्थर जो यहाँ से नीचे चले गए, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे इधर के पत्थर लगाए हुए थे, सब नीचे चले गए यहाँ के, बहुत ख़तरनाक स्लाइडिंग हुई, पता नहीं कॉलेज कैसे बच गए ये पूरा। देख लो जिस कदर से ये हुई है स्लाइडिंग, और उस वजह से बचना इसका बहुत मुश्किल था, लेकिन चलो शुक्र मालिक का बच गया, बहुत लॉस हो जाता गवर्नमेंट का अगर ये गिर जाता पूरा। गाइस ये जो दिख रहा आपको, ये मैं दिखाता हूँ, ये पूरा क्रैक हो गया यहाँ से, देख लो जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल क्रैक हो गया यहाँ से पूरा, इधर से ये निकल रहा है, ये देख लो ये पूरा क्रैक हुआ हुआ है बिल्कुल, ये आगे ये देख लो, ये पता नहीं स्लाइडिंग की वजह से हुआ है, पूरा क्रैक हुआ हुआ, ये पूरा डाउन हुआ हुआ देख लो, ये देखना है, ये देख लो ये बिल्कुल क्रैक हुआ हुआ है, तो ये देख लो ये पूरा क्रैक हुआ हुआ, ये देख लो आवाज़ भी कर रहा है, देख लो ये आवाज़ कर, देख लो तो इधर से देख लो ये पूरा क्रैक हुआ हुआ, ये देख लो अभी अगर इसको उठाऊं तो पूरा उठ जाता है, ये देख लो नीचे तक वो पूरा क्रैक हुआ हुआ, पूरा ये पोर्शन पूरा ही क्रैक है। मेरी रिक्वेस्ट सबसे है जो भी यहाँ पे आता है और इस जगह पे, प्लीज़ कोई भी नहीं जाना, ये जो पौड़ियाँ लगी हुई दिख रही हैं आपको, प्लीज़ ये जो मतलब अभी मैंने बताई हैं क्रैक, ये क्रैक कभी भी टूट सकते हैं और किसी को भी नुकसान पहुँच सकता है इससे। ये मेरे को देख के मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है मेरे को, ये देख लो वो जो स्लाइडिंग हुआ हुआ पूरा, ये भी यहाँ से आगे मुझे लग रहा है गिर जाएगा किसी न किसी दिन, जो ये आगे है पता नहीं, फिर अल्लाह बचाए किसी को भी अगर जब भी गिरा कहीं नुकसान ना पहुंचे। ये देख लो पूरा आगे वो देख लो नीचे तक, अल्लाह बचाए सबको, तो वो देख लो स्लाइडिंग वाला सारा पोर्शन। चलो तो गाइस अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, वो देख लो वो भैया कैमरा लेके वो शूट शूट कर रहे हैं, और अभी थोड़ी देर के बाद चलते हैं हम, बाकी और कुछ भी दिखाते हैं आपको व्लॉग। गाइस अब घर की तरफ निकलने की तैयारी है, रोड में आगे नीचे वो कॉलेज से ओके वो जो दिख रहा है आपको पीछे, अब घर की तैयारी है और चलते हैं, वो पीछे बाइक पे रुके हैं भाई लोग, थोड़ा शूट कर रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। भाई लोग कैसा लगा मेरे साथ मिलके? बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है फिर दबा के लाइक करना शेयर करना, तो ठीक है गाइस हम चलते हैं अपने इस पे बैठ के। गाइस मेरे को काम पड़ गया था थोड़ा, उस वजह से मैं थोड़ा बिजी हो गया, तभी मैं शाम पड़ गया मेरे को घर जाते जाते, इंशाल्लाह थोड़ी देर में घर भी पहुँच जाऊँगा। ये रहा हमारे सलानी पुल का रात का व्यू, देख लो माशाल्लाह कितना तगड़ा लग रहा है, अब वो देख लो माशाल्लाह वो सिटी का व्यू कितना तगड़ा लग रहा है माशाल्लाह, क्या बात है। और शाम बहुत पड़ गई है, ठंड बहुत लग रही है मेरे को, चलते हैं आगे, मेरी बाइक का पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला है थोड़ी देर में,
तो पहले चलते हैं पेट्रोल पंप, उधर से पेट्रोल डलवाते हैं और फिर चलते हैं अपने घर। और ये आ गया पेट्रोल पंप हमारा, इसमें हम पेट्रोल डलवाते हैं अभी। तो ये डाल रहे हैं अंकल पेट्रोल और थोड़ी देर में चलते हैं हम अपने घर। तो कितने का 500 का डलवाया मैंने, तो अभी मैं मीटर को करता हूँ ऑफ, क्योंकि ज़ीरो पे करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मैं मीटर के हिसाब से चलाता हूँ अपनी गाड़ी। और देख लो ज़ीरो हो गया गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुँच गया, मुझे आधा घंटा हो गया घर आए हुए, पर मैं तब थोड़ा फ्री नहीं था, अब मैं हो गया फ्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को दिन पूरा बहुत ज़्यादा मज़ा आया, उन भाइयों से नए जो मिले मेरे को उनसे मिलकर, और जो मेरे आरिफ भाई थे नए वाले, मतलब नए फ्रेंड बने मेरे, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि फ्रेंडशिप मेरे को वहाँ पे हुई थी किले पे, जो फॉर्ट का फुल व्लॉग मैंने बनाया हुआ, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा मैं अगर किसी को देखना होगा तो। मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम मतलब हमारा मेरा और आज भाई का रिलेशन ऐसा बन गया कि बिल्कुल भाइयों जैसा। तो उम्मीद करता हूँ सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ जो नया मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, और जो पुराना है वो कमेंट किया करो तगड़ा सा, जिससे कुछ मेरे को सीखने को मिले नया, खुद को मैं इम्प्रूव कर दूँ। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ, और अल्लाह हाफिज़ बाय, दुआ में याद रखना।